माई ब्रदर हैज डिसाइडेड टू एसोसिएट विद दिस फिल्म एंड डू व्हाट ही कैन. अच्छी बात है, देर आई दुरुस्त आई. और आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आज उपस्थित हैं, ये अच्छी बात है इतनी छोटी फिल्म के लिए. तो अच्छा लग रहा है, सपोर्ट है. और एंड आई होप द फिल्म इज़ गुड. मैंने देखी नहीं है. इट्स अ हिस्टोरिकल, तो कुछ सीखने को मिले वही उम्मीद है. और एंटरटेनमेंट हो, मस्ती हो थोड़ी. चारों तरफ बेशरम की बातें हो रही है, कब क्या क्या सीन है बेशरम का? बेशरम दिसंबर में मैं फ्लोर पे जाऊंगा और रणबीर फिल्म में है. बाकी सब चीज़ें अभी फाइनल नहीं हुई है, मतलब लॉक नहीं हुई. एक बार लॉक हो जाने दो. तो बीच में ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि रणबीर फिल्म नहीं कर रहे हैं, क्या वजह थी? वो न्यूज़ मीडिया, उनको उनके पास कोई न्यूज़ नहीं थी तो उन्होंने छापी. एक ने छापी तो बाकी सब गूगल करते हैं. और कोई मेहनत तो करना नहीं चाहता. आज अच्छा लग रहा है, सब लोग आए हो. पर बाकी तो एक आदमी छापता है वहाँ से, गूगल लोग उसी को लूप बना बना के छापते रहते हैं. अभी ना हमने सुना है कि यू नो यू आर फाइंडिंग अ फ्रेश फेस फॉर रणबीर, लुकिंग फॉर यार. सो कहीं नाम आया था कि आलिया भट्ट, हम कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या आलिया भट्ट? नहीं, आलिया भट्ट का नाम भी वो मीडिया नहीं दिया था. आलिया भट्ट से मैं आज तक मिला नहीं हूँ. परिणीति का नाम आया था, परिणीति ने ऑडिशन किया मेरी फिल्म के लिए, तो वो भी कंसिडरेशन में. और जब सब लॉक हो जाएगा तो बता देंगे. आप खुश है कि बॉम्बे वेलवेट से पहले बेशरम कर रहे हैं रणबीर? योर स्क्रिप्ट नो ना, ऐसा मतलब खुश हूँ कि कुछ कर पा रहा हूँ मैं. दो साल से तो बैठे ही हूँ दबंग. सारे लोग तो मुझसे ही पूछते हैं दबंग बनाने के बाद दो साल से घर पे क्यों बैठे हो. क्या करूँ, स्टार भी चाहिए, उसकी डेट्स भी चाहिए. तो अनुराग वॉज नॉट रेडी, आई वॉज रेडी, सो आई एम गोइंग फर्स्ट. थैंक यू सो मच सर. ऑल राइट, थैंक यू. फिल्म बहुत खूबसूरत है और फ्रीडम मूवमेंट के ऊपर है. और अब हमारे देश देश की एक इंडिपेंडेंस से पहले की फिल्म है. ये ऐसी घटना के ऊपर है जो शायद लोगों को अभी तक मालूम नहीं है. तो इस फिल्म के ज़रिए बहुत सारे लोगों को पता चलेगी कि बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ फाइटिंग की. दोनों के साथ मुझे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, दोनों के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. और दोनों का अलग अलग फ्लेवर है. आप देखेंगे फिल्म को, आपको मज़ा आएगा. हाँ, ये पहले बन चुकी थी फिल्म और हम लोग जब वापस आए फिल्म की फिल्म करके कंप्लीट करके, उसके बाद गैंग्स ऑफ वासेपुर की कास्टिंग हो रही थी. तो बहुत सारे एक्टर जो है जो चिटगांव में, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी आते थे. डरने लगे, डरने लगे, डरने लगे. और इस फिल्म के बाद जो कि 3 साल बाद रिलीज हो रही है, चार साल, आपकी मतलब कैसी, एक स्टेप कैसे आ गया आप पढ़ने से आपके कैरेक्टर को देखने पर? इस फिल्म में देखिए, इस फिल्म में जो है ना, एक ऐसी मूवी है जिसमें सारे कैरेक्टर बराबर से हैं. इसमें कोई ऐसा एज सच हीरो, एक फिल्म की फिल्म हीरो है, इसमें कोई कैरेक्टर एज सच हीरो नहीं है, फिल्म हीरो है इसमें. तो आप बात करिए अपनी फिल्म में, अब आप नेक्स्ट क्या धमाका करने वाले हैं? नेक्स्ट तलाश है आमिर साहब के साथ. कैसा लगता है कि यू आर द मोस्ट वांटेड हीरो इन बॉलीवुड नाउ? क्योंकि आप कहीं पे हमने पढ़ा है कि आपको 104 फिल्म एक साल में ऑफर की गई है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? 104 फिल्में 3 महीने में ऑफर की गई है. किसने ऑफर किया 104 फिल्म? नाम बताइए. 104 तो नाम नहीं बता सकता यार मैं. बट कैसा लगता है? ऑफकोर्स अच्छा लगेगा, जो आपके काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है. और इंडस्ट्री में ऐसे आज पूरा सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं. तो मेरे जैसे काले कलूटे आदमी को हीरो बनाया जा रहा है. पूरा ध्यान पैसा कमाने पे लगा. पूरा ध्यान पैसा कमाने पे. ऑफकोर्स आई वॉन्ट टू बी हाईएस्ट पेड एक्टर. थैंक यू.
that you're here. I'm so, so, so glad. And it's your film ke baare mein kafi lambe samay se film बस मैं हाँ ये बहुत मुझे लगता है कि फिल्म जो है वो ऐसी फिल्में होती हैं उनके उनके अपने पंख होते हैं और जब अच्छी फिल्म होती है वो अपने आप जैसे कि देख रहे हैं कि इतना अच्छा इतनी जो फिल्म है और उसका इतना अच्छा प्रीमियर हो इतने लोग आए देखने तो कहीं ना कहीं इस फिल्म की लोगों ने तारीफ सुनी होगी बहुत अच्छी फिल्म है सिंसियरली बनी है सब ने बहुत मेहनत की है और परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी हैं तो मुझे लगता है कि और आजकल ऐसी फिल्में लोग पसंद करते हैं सर कुछ समय पहले इसी मुद्दे पर एक फिल्म आई थी खेलन जी जो कि बॉक्स ऑफिस पर उतना दमखम नहीं मैंने वो फिल्म देखी नहीं तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं इसी मुद्दे पर फिल्म थी और आज ये फिल्म आ रही है तो आपको लगता है लोगों का परसेप्शन चेंज होगा फिल्मों को काफ़ी मुद्दों पर पचासों फिल्में बनती हैं और जो अच्छी फिल्म है वो लोग पसंद करेंगे सॉरी See, he has always, done films which are, you know, done with his own conviction and he's believed in other directors' conviction and promoted those films and backed those films, and which is great. And most of the time, they have turned out to be good. इस वक्त मैं सिर्फ चिटकॉन की बात करूँगा बाकी बातें बात नहीं अनिल सर एक छोटा उद्योग वाला में एक सीन घटना हुई थी सीन शॉट वो चिटकॉन चिटकॉन की बात करूँ सर फिर भी सर फिल्म देख लूँगा थैंक यू